साथियों लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत में अनेक लोग हैं जिन्हें ज्ञान के प्रसार से अपार खुशी मिलती है ये वो लोग हैं जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि हर कोई पढ़ने के लिए प्रेरित हो मध्य प्रदेश के सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे जी ने तो स्कूटी को ही मोबाइल लाइब्रेरी में बदल दिया है वे प्रतिदिन अपने चलते फिरते पुस्तकालय के साथ किसी न किसी गांव में पहुंच जाती है और वहां बच्चों को पढ़ाती है बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कहकर बुलाते हैं इस साल अगस्त में अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली के रायो विलेज में एक सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी बनाई गई है दरअसल यहाँ की मीना गुरुंग और दिवांग होसाई को जब पता चला कि कस्बे में कोई लाइब्रेरी नहीं है तो उन्होंने इसकी फंडिंग के लिए हाथ बढ़ाया आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी के लिए कोई मेंबरशिप फी नहीं है कोई भी व्यक्ति दो हफ्ते के लिए किताब ले जा सकता है पढ़ने के बाद उसे वापिस करना होता है यह लाइब्रेरी सातों दिन चौबीसों घंटे खुली रहती है आस पड़ोस के अभिभावक यह देखकर काफी खुश हैं कि तो उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं खासकर उस समय जब स्कूलों ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है वहीं चंडीगढ़ में एक एनजीओ चलाने वाले संदीप कुमार जी ने एक मिनी वैन में मोबाइल लाइब्रेरी बनाई है इसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त में बुक्स दी जाती है इसके साथ ही गुजरात के भावनगर की भी दो संस्थाओं के बारे में जानता हूं जो बेहतरीन कार्य कर रही है उनमें से एक है विकास वर्तुल ट्रस्ट यह संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत मददगार है यह ट्रस्ट 1975 से काम कर रहा है और ये पांच हजार पुस्तकों के साथ 140 से अधिक मैगजीन उपलब्ध कराता है ऐसी एक संस्था पुस्तक परब है यह इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो साहित्यिक पुस्तकों के साथ ही दूसरी किताबें निशुल्क उपलब्ध कराते हैं इस लाइब्रेरी में आध्यात्मिक आयुर्वेदिक उपचार और कई अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें भी शामिल है यदि आपको इस तरह की और प्रयासों के बारे में कुछ पता है तो मेरा आग्रह है कि आप उसे सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें यह उदाहरण पुस्तक पढ़ने या पुस्तकालय खोलने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह उस नए भारत की भावना का भी प्रतीक है जिसमें समाज के विकास के लिए हर क्षेत्र और हर तबके के लोग नए नए और इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं गीता में कहा गया है न ही ज्ञान सदुषम पवित्र मिह विद्यते। अर्थात ज्ञान के समान संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है मैं ज्ञान का प्रसार करने वाले ऐसे नेक प्रयास करने वाले सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ